हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे वेलकम टू माई चैनल रोस्पिटल्स कुकिंग क्लासेस आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ पोहा की नमकीन बनाने जा रहे हैं आज हम बिल्कुल विदाउट ऑयल रोस्ट करके हम अपनी नमकीन को बनाएंगे नमकीन भी है और हेल्दी भी है तो क्यों ना इस हेल्दी रेसिपी को फटाफट बनाना शुरू किया जाए तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन लेंगे पैन में टू फिफ्टी ग्राम हम अपना पोहा डालेंगे ये बारीक वाला पोहा है इसको हमें रोस्ट करना है इसमें मैंने कोई भी ऑयल नहीं डालना है हमें सिर्फ़ हमने इसको लो हीट पर ड्राई रोस्ट करना है हमें इसको इसको हम चलाते रहेंगे नहीं तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉपरली इवनली हमारा कुक नहीं होगा इसलिए हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये नमकीन भी है और हेल्दी भी आप देख सकते हैं ये हल्का सा क्रश होना स्टार्ट हो गया है इट मीन्स कि हमारा ये पोहा अच्छे से रोस्ट हो गया है अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और ठंडा करने के लिए इसको रख देंगे एक पैन लेंगे पैन में वन टीस्पून ऑयल डालेंगे ओनली फॉर वन टीस्पून ऑयल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा इसमें हम अपनी वन कप पीनट लिया है इसको हम रोस्ट करेंगे इसको भी हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है चलाते रहेंगे इसको जिससे ये इवनली हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाए हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है इसको मैं बोल में शिफ्ट कर ले रही हूँ इसी पैन में हम हाफ कप ऑलमंड्स ले रहे हैं ऑलमंड्स को भी हम रोस्ट करेंगे आप कोई भी नट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो मैं ऑलमंड्स ले रही हूँ ऑलमंडस को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है आप देख सकते हैं बिल्कुल वन टी स्पून ऑयल में हम बना रहे हैं ये मैंने सूखा नारियल लिया है जिसको कि मैंने बहुत ही बारीक एजिस में काट कट -कर, कर लिया है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये वन कप है आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको भी हमें रोस्ट करना है जैसे ही ये रोस्ट होने लगेगा ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है और इसके हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं आपको बड़े करने हैं बड़े भी कर सकते हैं अब एक पैन में हम वन टीस्पून ऑयल डालेंगे वन टीस्पून इसमें जीरा ऐड करेंगे वन टीस्पून राई ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड क्रैकल होने देंगे इसको और हम एट टू टेन करी लीव्स डालेंगे जो कि हमने कट करके डालना है इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे सारी करी लीव्स इसमें जा चुकी है अब हम इसको सॉटें करेंगे अच्छे से जैसे ही हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से सॉटे हो जाएंगी वन टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम अपनी पीनट ऐड कर देंगे हमारे ये रोस्टेड ऑलमंड्स एंड हमारा जो नारियल है वो ऐड कर देंगे इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम अपने इस मसाले में वन टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमारा पोहा ठंडा हुआ था वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे बहुत ही क्रिस्प पोहा है ये इसको आपने लाइटली हैंडल करना है अदरवाइज़ आपका पोहा टूट जाएगा और क्रश हो जाएगा बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको मिक्स करेंगे हम जिससे कि हमारे सारे मसाले और हमारे सारे नट्स इसमें इवनली मिक्स हो जाएं। अब इसमें कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर वन टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें हम एंड वन टीस्पून वाइट व्हाइट सॉल्ट सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं वन टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत लाइट हैंड से हमें इसको मिक्स करना है जिससे कि हमारे सारे मसाले प्रॉपरली मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल नमकीन बनके हमारी रेडी हो गई है बहुत टेस्टी है ये फ्लेम ऑफ कर देंगे अब हम इसको अपने बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल है बहुत ही क्रिस्प है और बहुत टेस्टी भी है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत हेल्दी नमकीन है ये बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है ये आप इस फ्रेश नमकीन को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिएगा लीजिए हमारी ये नमकीन बन के रेडी हो है गर्मा गर्म स्वादिष्ट पोहा की नमकीन बन के रेडी है आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल लग रही है दिखने में ये जितनी में ये दिखने में कलरफुल है खाने में बहुत टेस्टी है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपने घर में आप इस हेल्दी नमकीन को ज़रूर बनाइए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए सीन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर